नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, 2009 विषय हिंदी भाग बे पाठ 16 छे भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। भाग बे में आपणे जोईए आगळ। भाग एक में आपणे जोयुं के भारत में जे गुरु शिष्य परंपरा छे ए केवी हती एना विशे माहिती आपणे अहीं प्राप्त करी। भाग बे में आपणे आगळ जो वधारे माहिती प्राप्त करीशुं। विदेशों में अपने जो कि भारतीय जे व्यक्तिओ छे ए व्यक्तिओनु सम्मान क्यारे थाय छे, ज्यारे विदेश में पोतानु बुद्धि चातुर्य बतावे छे त्यां एमनी ज्यारे प्रशंसा थती होय छे त्यां एमनु सम्मान करवामां आवे त्यारे, अने जे पाछा भारत आवे त्यारे भारतना लोको एमनु सम्मान करे। ज्यां सुधी आपणा देशमां छे त्यां सुधी एमनु सम्मान करवामां आवतुं नथी। एटले ज्यां आपणे विदेशथी एटला आकर्षायेला छीए એના આપણને ઉદાહરણ બે જોયા હતા વિવેકાનંદના અને રવિન્દ્રનાથ ઠાકોર વિશે। યહાં કે લોગો કો અપની ખૂબસૂરતી નજર નહીં આતી, આપણા દેશના જે લોકો છે એમને અહીંયા ખૂબસૂરતી નજર નથી આવતી, મગર પરાયે સૌંદર્ય લોકો દેખકર મોહિત હો જાતે, પરાયું સૌંદર્ય જુએ તો તરત જ એના પ્રતિ આકર્ષિત થઈ જાય છે। જિસ દેશ મેં જ્ઞાન પાને કે લિયે મેક્સ મુલરને જીવનભર પ્રાર્થના કી, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विदाई जाना स्वर्ग जैसा अनुभव करने लगते। विदेशी जो चिंतक होता एमा मैक्स मुलर ये जीवन भर प्रार्थना करता मने के मने भारत देश में जवा मळे अने तेनी संस्कृति नी माहिती प्राप्त थाय एना संस्कार मळे एवी जीवन भर प्रार्थना करता रहे। જ્યારે ભારતના લોકો આજના સમયમાં વિદેશમાં જવાનું જર્મની હોય કે વિલાયત જવા માટે એ તો સ્વર્ગ સમાન માનવા લાગ્યા છે, એટલે વિદેશમાં જવું એટલે જાણે કે સ્વર્ગનો અનુભવ કરવો હોય એ પ્રમાણેની એમના માનસિકતા બની ચૂકી છે। એસે લોકો કો પ્રાચીન ગુરુ શિષ્ય સંબંધ કે મહિમા સુનાના ગધે કો ગણિત सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। एवं लोगों ने भारतीय संस्कृति ने ज्ञान आपवो एनो महिमा बतावनो भारत में गुरु शिष्य ना संबंधों विषय की जानकारी आपी एवं लगे कि कोई गधेड़ा ने गणित सिखाना मुहावरा, गधे को गणित सिखाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि जो अयोग्य व्यक्ति है ऐसे अयोग्य व्यक्ति को ज्ञान देना यानी कि गधे को गणित सिखाने बराबर होता है, मुहावरा है। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा एक भारतीय पहलवान ना तो मुंबई आए, उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। भारतीय पहलवान गामा ये मुंबई गए थे, उन्होंने विश्व के सारे पहलवान को कुश्ती में चैलेंज दिया। गामा पहलवाने मुंबई में जाए अने विश्वना तमाम से पहलवानों हता ए पहलवानों ने चैलेंज करी। अखबार में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उसके निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। एक पारसी पत्रकार उत्सुकतावश गामा पहलवान पासे जाए छे अने एमने पूछे छे अने कहे छे एमने के तमे विश्वना बधा ज पहलवानोनी सामे स्पर्धा माटे तैयार थई गया छो, तमे चैलेंज फेंको छो तो तमारो आ शिष्य छे એની સામે તમે જીતીને બતાવો ગામા આજકાલ કે શિક્ષા પ્રમાણે રંગે નહીં થઈ, આજકાલની જો શિક્ષા પ્રણાલી છે આજનો જે ગુરુ શિષ્ય સંબંધ છે એના રંગમાં ગામા પહેલવાન રંગાયા ન હતા। કેમ કે આજની શિક્ષા પ્રણાલી આપણને ખબર છે ગુરુ અને શિષ્યનો સંબંધ કેવો છે, વ્યવસાયિક બની ગયો છે, વિદ્યાર્થીઓ ફી ચૂકવે છે અને શાળામાંથી એમને શિક્ષણ આપવાનું, એટલે કે પેટ
કરવા માટેનું એક સાધન એ આજની શિક્ષા પ્રણાલી બની ગઈ છે. અને આવા રંગથી ગામમાં પહેલા રંગાયેલા ન હતા, એટલે ઉન્હોને ઇન શબ્દો ઉન્હોને ઇન શબ્દોને હેરાન કર દિયા. વો હેરાન હો જાતે હૈ જબ પારસી પત્રકાર ને યે પૂછા કે આપ અપને શિષ્ય કે સાથ લડો ઔર ઉસકે સામને યુદ્ધ કરકે આપ જીત કર દિખાઓ, કુસ્તી કરકે જીત કર દિખાઓ. આંખે ફાડ કર ઉસકે પત્રકાર કા ચહેરા તાકતે રહે, આંખે ફાડ કર वो उसके सामने देखते कि कैसे लोग हैं. बाद में धीरे से कहा, भाई साहब मैं हिंदुस्तानी हूं और हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद इससे आप परिचित नहीं है. गामा पहलवाने हमने कहूं કે હું હિન્દુસ્તાની છું, મારામાં હિન્દુસ્તાની સંસ્કાર છે, મારી સંસ્કૃતિ એ હિન્દુસ્તાની સંસ્કૃતિ છે, અમારું પણ એક અલગ રહેણસહેણ છે આપણી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે. કદાચ તમે એનાથી પરિચિત લાગતા નથી કે ભારતીય સંસ્કૃતિ પૂરા પરિચિત નથી. જીસ લડકે કા આપને નામ લિયા વહ मेरे पसीने की कमाई है, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है. इसमें मैं और मुझ में फर्क भी कुछ नहीं है. मैं लड़ा या वह लड़ा दोनों बराबर ही होगा. गामा पहलवान पारसी पत्रकार ने जवाब आपे छे કે તમે જે મારા શિષ્યનું નામ લીધું છે એ મારો શિષ્ય એ મારા પસીનાની કમાઈ છે, મારું ખૂન છે, મારા પુત્ર કરતા પણ એને વધારે પ્રેમ કરું છું. એ અમારી સંસ્કૃતિ હૈ, એ અમારી પરંપરા થી કે ગુરુ અપને શિષ્ય કો અપને પુત્ર સે ભી અધિક પ્યાર કરતા હૈ. યહાં પર હમે દિખ રહા હૈ વો. મેં લડું યા વો લડે ઉસમે કોઈ ફર્ક નહીં. हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए. तमें प्रयत्न करो अपनी संस्कृति सूच से इन्हें समझो. पहला हम लोगों को वंश परंपरा हमसे शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है. गामा पहलवान कह रहे हमने वंश परंपरा करता गुरु शिष्य परंपरा ए वधारे प्रिय से. ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहे. पहलवान गामा पहलवान यहां पर कहते हैं गुरु हमेशा यूं इच्छे कि मारो शिष्य मारा करता पण वधारे चढ़िया तो बने. यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितने नाम मैंने कमाया उससे कहीं अधिक मेरे पिता कमाए. मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है. कैसे कि जितलू नाम પિતાનો થાય તો પિતા એવું ઈચ્છે કે એના કરતા વધારે નામ પોતાના પુત્રનું થાય. એમ ગુરુ પણ એવું ઈચ્છતા હોય છે કે ગુરુ કરતા ચેલા વધારે મહાન બને એવું ગુરુ ઈચ્છતા હોય છે. આ આપણી સંસ્કૃતિ છે. મને લાગે છે કે તમે હિન્દુસ્તાની નથી. ભારત મેં ગુરુ શિષ્ય સંબંધ કા ભવ્ય રૂપ આજ સાધુઓ પહેલવાનો ઓર સંગીતકારો મેં થોડા બહુ સહી પાયા જતા. આજના વર્તમાન સમયમાં ગુરુ શિષ્યની આ જે પરંપરા હતી એ બહુ ઓછી જગ્યાએ આપણને જોવા મળે છે. એમાં આપણે જોઈએ તો સંગીત જે છે એ સંગીતમાં સાધુઓમાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આજે પણ જળવાય છે. સંગીતમાં પણ આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા જોઈ રહ્યા છે. પહેલવાનોમાં પણ આ પરંપરા હજુ પણ ચાલી રહી છે. ભગવાન રામકૃષ્ણ 200 યોગ્ય શિષ્ય કો પાને કે લિયે પ્રયત્ન કર રહે હૈ. ઉનકે જૈસે વ્યક્તિ કો ઉત્તમ શિષ્ય કે લિયે રો રો કર પ્રાર્થના કરની. સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ ની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે.
वर्षो सुधी एक योग्य शिक्षक योग्य शिष्य मेळवा माटे प्रयत्न करता हता। भगवान ने रड़ी ने प्रार्थना करते, हे भगवान तमे मने योग्य शिष्य आपो। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण, गुरु के लिए एक उत्तम शिष्य प्राप्त करना कितना महंगा और कितना उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, ये बात यहाँ पर हमें मालूम होती है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं थे। पुत्र न हो तो चले, पर योग्य शिष्य तो होना चाहिए। इस संबंध में हैवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था मेरे अनुयायी लोग मुझसे अधिक महान है। महाराज अनुयायियों से ये मारा करता पर बधारे महान से, और उनकी जूतियां होने का योग्यता मुझ में नहीं। कहते कि हमना जूता है ना चप्पल पगड़ खा जैसे ये रेवनी पर मारा मां योग्यता नहीं। यही बात गांधी जी बनने की क्षमता जिसमें है उन्हें गांधी जी अच्छे, जेनामा गांधी जी बनवाने की क्षमता से एमा एवं व्यक्ति ने गांधी जी जैसे एक वधारे सारा जेने गांधी बनवो छे तो ये विचारी सके कि जेनामा क्षमता से और वे ही उनके पीछे चलते हैं। एवं लोगों एमनी पाचर अनुसरता हुए व्याकरण सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें व्याकरण पढ़ने की अद्भुत शक्ति नहीं। विवेकानंद बनवो से तो एनामा एवी व्यक्ति ने एवी व्यक्ति ये पसंद करे तो जेनामा ये शक्ति समाये रहे। कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक मान होते हैं। कवि करता कवि ने जे कविताओ नो मर्म सारी के समझे छे जेमा जे नो रसास्वाद ले छे ए वधारे महान छे। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी श्रेष्ठ है। यहाँ देखते हैं जिसकी हम पूजा करते हैं वो उसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता, लेकिन जो पूजा करते हैं तो पुजारी को श्रेष्ठ माना जाता है। मंदिर में भगवान श्रेष्ठ नहीं होता, पर आपे अत्यारे पुजारी ने श्रेष्ठ मानवा माने छे। यहां सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाला मान। अहिया जिन्हें सम्मान मिले छे ए मान नहीं, पर एना करता वधारे मान कौन छे कि एनी महान व्यक्तियों ने जे सम्मान आपे छे ए व्यक्ति ने मान मानना छे। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ है हमारी चाह में और हमारी दृष्टि जे कई समय उसे ये बदुज अपनी दृष्टि में समाये हुए। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लगती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के अपने आज ये व्याख्याओ करवामां आवी ये अपने थोड़ी विचित्र लगे छे पर अद्भुत छे अने आ अमारी परंपरा रहेगी छे। अपना जे पूर्वजो हता ए पण एनी साथे रह्या छे। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से समाज में जाति पाति के कारण भेदभाव भरे पड़े हुए दिखते हैं, लेकिन गुरु शिष्य परंपरा में ऐसा नहीं था। आज देख रहा है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन उस काल में प्राचीन काल में ऐसा कहीं नहीं था। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चले, कितना मुसलमान पहलवानों आता अने ये पहलवानों ना जे शिष्य होता ये हिंदू होता, और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे। कितना एवं भारतीय संगीतकारों से जिन्ना शिष्यों पर मुसलमान तरीके रहे छे। यहाँ फरक गुण की साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है।
न कि जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की। यहाँ पर अपना देश में जो प्रतिभा से ये प्रतिभा जातिवाद के आधार न होती, एमा साधना भक्ति अने श्रद्धा अपने जोवा मळती हती कि जाति संप्रदाय ने। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू और यह मुसलमान बनाना चाहिए। पुराने जमाने में मौली लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे, पौराणिक समय में घना बदा एवं मुसलमान होता जे ए रामायण नो पाठ करता हता अने हजारों लोगों ए सांभळवा माटे एकठा थता हता। आ भारत देश की संस्कृति छे, यानी कि पुराने समय में मुसलमान भी रामायणी होता होते। रामायणी का मतलब होता है राम की कथा करने वाला, राम की कथा करने वाले को रामायणी कहते हैं। तो पुराने जमाने में ऐसा था कि मुसलमान भी रामायण की कथा करते थे और लोग उसे सुनने के लिए आते थे। और आज देहातों में, देहात मतलब गांव, आज देहातों में भरत मिया रंजीत मिया आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। आज के गुरु सिर्फ सेवा लेने में चतुर है, देने में नहीं। आज के समय में जो गुरुओं थे, ये गुरुओं के वजह से तो यहां कहते कि फक्त सेवा लेवामा पोताना शिष्य द्वारा पोतानी सेवा केवी रीते करवामा आवे, ये सेवा लेवामा बहु माहिर छे, बहु चतुर छे, चतुराई पूर्वक ये शिष्य पासे पोतानी सेवा ले छे, देने में नहीं, आत्मा में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज है, लेने की। और अपना जो प्राचीन ग्रंथों से उपनिषदों से ये उपनिषदों में बतावामा आयो छे कि सेवा कैसे है, तो सेवा देने की चीज है, लेने की। हम दूसरों की सेवा कर, किसी से सेवा हमें नहीं लेनी है, लेकिन हमें दूसरों की सेवा करनी है। हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं, पौराणिक जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में इसके बारे में बताया गया है कि सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। हाँ, सेवा लेने के अधिकारी हैं कौन है, तो सेवा लेने के अधिकारी हैं जो छोटे बच्चे हैं उनको सेवा की जरूरत होती है, जो रोगी हैं, जो कोई रोगिष्ठ व्यक्ति से नाना बालकों से कोई असहाय से, कोई वृद्ध व्यक्ति से, ये सेवा लेवाना अधिकारी से, एमनी सेवा करनी जो एमनो अधिकार से सेवा लेवानो। तो यहां पर बताया है कि सेवा लेने के जो अधिकारी हैं वो बच्चे, कोई रोगी, असहाय और वृद्ध। बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझा जाता है। बालक, रोगी, वृद्ध, कोई असहाय, अने यहाँ परमात्मा ने एक मूर्ति समान हमने मानवामा आवे छे अने एमनी सेवा करवामा आवे छे। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने की क्षमता और सर्वदेता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रहे। आओ गुरुओं, आज अपने जोवा मळता नथी किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उसमें उतनी मात्रा तक संभव है जितनी मात्रा की उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना में गई। मंदिर में रहने से मूर्ति से ये देव मंदिर की मूर्ति में फक्त एकली जी शक्ति होय छे, केतली तो कैसे, जितनी मात्रा तक उसमें पुजारी की भाव, पुजारी जे छे ये जितनी भाव थी पूजा करे छे, नैवेद्य धरावे छे, बस जितनू धरावे छे एटली शक्ति ए मूर्ति में आपने जोवा मळे छे। मित्रों, आम अहीं लेखके व्यंगपूर्वक आजनी जे संस्कृति छे ते अने पौराणिक संस्कृति नो ख्याल आपने अहीं आप्यो छे। अहीं आपणे आ पाठ पूर्ण करे छे।
સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો વિદ્યાર્થીઓ તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાના છે અને નોટ તૈયાર કરવાની છે.